बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल की कोविड-19 संक्रमण से बचने की और कोरोना वायरस के बारे में बताई गई बात लाइव सिटीज आपको बताता रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को सतर्क किया और कहा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जा रहे हैं तो उन्होंने डॉक्टर और मरीज दोनों को सतर्क रहने की सलाह दी। अगर आप डॉक्टर को आंख, कान, नाक या गला या फिर दांत दिखाने जा रहे हैं तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमण का खतरा डॉक्टर को आम इंसानों से 3 गुना अधिक रहता है। बताओ डॉक्टर अग्रवाल, अमेरिका की एक रिपोर्ट की माने तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी के डॉक्टर और आंख के डॉक्टर को यह खतरा और भी अधिक होता है। मगर डॉक्टर अग्रवाल ने इनमें 2 और डॉक्टरों को जोड़ा है, एक ENT स्पेशलिस्ट, दूसरा डेंटिस्ट। उन्होंने डॉक्टर और मरीज दोनों को सतर्क किया है। उनका कहना है कि चाहे आंख के डॉक्टर हों या ENT स्पेशलिस्ट या फिर हों डेंटिस्ट, इन सबको मरीज देखने के दौरान काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये मरीज का काफी नजदीक से और खासकर उन हिस्सों की जांच करते हैं जहां से संक्रमण फैलता है, मतलब मुंह, नाक या फिर आंख। ऐसे में मरीजों को भी ये ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर ने प्रॉपर प्रिकॉशन ड्रेस कोड फॉलो किया है या नहीं, जैसे मास्क, ग्लोव्स या फिर इक्विपमेंट सैनिटाइज हो रहा या नहीं हर मरीज के बाद। डॉक्टर अग्रवाल ने डॉक्टरों को भी ये सलाह दी है कि वो खुद और मरीज की हिफाजत का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में अगर मरीज संक्रमित है तो वो डॉक्टर को भी संक्रमण फैला सकता है, और ये डॉक्टर इन मरीजों को उनके चेहरे के करीब से जांच करते हैं। साथ ही कई लोगों के संपर्क में वो खुद भी आते हैं, इसलिए अगर डॉक्टर संक्रमित हुए तो वो भी कई मरीजों में इस महामारी को फैला सकते हैं, जिससे सतर्कता और सावधानी से ही बचा जा सकता है। लाइव सिटीज से शादाब मलिक की रिपोर्ट। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे आपको कोरोना की जानकारी, साथ ही बताएंगे डॉक्टर की सलाह। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।